दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चशु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। बीएड का जो सिलेबस है, बीएड में जो प्रश्न आते हैं जिस लेवल के, उस हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और ये संपूर्ण गाइड है। इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को 7 शॉर्ट पेपर भी मिलेंगे और साथ में 2700 से ज़्यादा बहुविकल्पी और संभावित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चशु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चशु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड तो आती ही है जिसे आप लोग अभी देख रहे थे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में 7 सॉल्ट पेपर भी मिलेंगे। और इस पुस्तक की पीसीएस 2024 के एग्जाम को लेकर के है, लेकर पीसीएस 2024 के प्रवेश पत्र का इंतजार, परीक्षा पर वापो, सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा टलने की बात की जा रही है प्रसारित और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे तथ्य हैं जिसकी वजह से ये बात की जा रही है। और उसके बारे में अमर उजाला ने भी लिखा है, अमूमन आयोग परीक्षा से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर देता है, अगर प्रवेश पत्र अगले 2-3 दिनों में जारी हो जाता है तो यह तय हो जाएगा कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा तय समय पर ही कराएगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से परीक्षा टटाले जाने की बात प्रसारित की जा रही है उससे अभ्यर्थी मानसिक दबाव में, अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा को लेकर जो चीज हो, जो भी स्थिति हो, आयोग जल्द ही उसके बारे में स्पष्ट करे। परीक्षा करानी है तो प्रवेश पत्र जारी किए जाएं और नहीं करानी है तो आयोग इसके बारे में अलग से सूचना जारी कर दे। परीक्षा के आयोजन को महज 11 दिन बचे हैं, शासन ने अब तक आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी नहीं की है, तो जब परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है तो परीक्षा कराएगा कौन, सबसे बड़ी बात यह है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बिना परीक्षा नियंत्रक के परीक्षा कैसे होगी। वहीं आयोग के कई अफसर आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में भी व्यस्त हैं, अभ्यर्थी इन तमाम तर्कों के साथ परीक्षा के आयोजन को लेकर के असमंजस में है। और इंटरव्यू इस माह के तीसरे हफ्ते में कुछ इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया गया है और दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी लिखा हुआ है, आई नेक्स्ट में लिखा है पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर के संशय है, लिखा है कि उसमें भी वही बात लिखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 17 मार्च को परीक्षा, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 की प्री परीक्षा 17 मार्च को होनी है। आयोग की ओर से इसकी तिथि पहले घोषित की जा चुकी है, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी किया जा चुका है लेकिन अब तक इसका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, इसलिए इसको लेकर के परीक्षार्थियों में संशय बना हुआ है, परीक्षा होगी या टलेगी। फिलहाल आयोग की ओर से कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा पेपर लीक मामले में जो घटनाक्रम हुआ उससे आयोग की छवि को धक्का लगा है, परीक्षार्थियों के प्रदर्शन के बाद परीक्षा रद्द हुई, इसके बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया, उसके स्थान पर नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती भी नहीं हुई है, इसलिए पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर के असमंजस की स्थिति में आखिरकार बिना परीक्षा नियंत्रक की परीक्षा कैसे। आयोग की ओर से होने वाली परीक्षाओं का प्रवेश पत्र अमूमन 10 से 15 दिन पहले जारी कर दिया जाता है, आरओ एआरओ की प्री परीक्षा 11 फरवरी को थी तो 2 फरवरी को इसका एडमिट कार्ड जारी किया गया और ऐसे में अपर निजी सचिव की परीक्षा 7 जनवरी को होनी थी तो 22 दिसंबर को ही इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया था लगभग 15 दिन पहले। अब तक पीसीएस का प्रवेश पत्र जारी न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि परीक्षा टल सकती है, आरओ एआरओ पेपर रद्द कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने पीसीएस के लिए भी आवेदन किया था, 3 सप्ताह तक आंदोलनरत थे इसलिए उनकी तैयारी प्रभावित हुई थी। उनकी मांग है कि परीक्षा कुछ दिन टाल दी जाए और इस परीक्षा के जरिए 220 पदों पर चयन होगा। प्रदेश भर से इसमें 574,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं पर 2 भर्तियों के इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी दी गई है जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधी भर्ती के अंतर्गत आयुष विभाग में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के लीडर शल्य तंत्र के 1 पद और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायनज्ञ के 2 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन होना। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी सूचना, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, प्रदेश भर के युवाओं का पत्र गिरजाघर में होगा जमावड़ा 10 मार्च को, यहाँ पर लिखा हुआ है रोजगार के सवाल पर 86वें दिन धरना जारी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी सर्च कमेटी द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों के नामों की स्क्रीनिंग होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सूची अनुमोदन के लिए राज्यपाल को न भेजने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश की युवाओं की नजर कल हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में टिकी हुई थी लेकिन इसमें लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में मुहर लग जाएगी लेकिन युवाओं को निराशा हुई, 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वायदे को पूरा करने की संभावना खत्म होने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी आचार संहिता की भेंट चढ़ जाने की आशंका से युवा बेहद चिंतित है। हालांकि युवाओं की नजर 10 मार्च के प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी हुई है जिसकी घोषणा आज पत्र गिरजाघर पर की गई जहां युवा मंच के बैनर तले रोजगार के सवाल पर 86वें दिन धरना जारी रहा। मार्च के बाद कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है, मार्च का मतलब है 13 मार्च।
ऐसे में 12 दिसंबर से युवा मंच के बैनर तले अनवरत जारी आंदोलनों के अनुक्रम में प्रदेश भर के युवाओं से सभी प्रतियोगी समूहों के प्रतिनिधियों से 10 मार्च के प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की गई है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं है, शिक्षा सेवा चयन आयोग तो प्रमुख मुद्दा ही है ताकि उसी में सारी भर्तियां टिकी हुई हैं। साथ में LT प्रवक्ता GIC BEO अर्हता का हल करके विज्ञापन जारी किया जाना, तो यह जितनी भी शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं सबकी यहाँ पर मांग की जा रही है। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। बर्खास्त वायु सैनिक समेत सालवर गिरोह के 7 दबोचे गए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जितने भी नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों के अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों की, उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ भर्तियों की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के अपडेट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि STF ने सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार मामले में मेरठ और दिल्ली से सालवर गिरोह में शामिल बर्खास्त वायु सैनिक प्रमोद पाठक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। STF ने पाठक के पास भर्ती परीक्षा के 26 एडमिट कार्ड बरामद किए हैं। अन्य आरोपियों के पास से प्रश्न पत्र से जुड़े दस्तावेज, सादे चेक व डायरी बरामद की है। STF की नोएडा यूनिट के SP राजकुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पहले ही गिरोह के मोनू गुर्जर, रजनीश रंजन, अमिताभ रावत को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद मंगलवार रात को दिल्ली के मुखर्जी नगर से प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया गया। पाठक नोएडा के सेक्टर 37 में रहता है। वह वायुसेना से बर्खास्त एयरमैन है। पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र देने के नाम पर कई लोगों से 3 से लेकर 15 लाख रुपए तक लिए थे। प्रदेश में 17-18 फरवरी को सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। कदाचार के कारण परीक्षा निरस्त की गई थी। बताया जा रहा है कि STF इस समय नोएडा एरिया में डेरा जमाए बैठी हुई है, और पीछे कुछ दिनों से देखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश की जो जितनी भी भर्तियां हैं जिसमें बड़े रैकेट हैं पेपर लीक वाले, वो हरियाणा तरफ के होते हैं, और जो सालवर गिरोह होते हैं वो बिहार से होते हैं। तो इधर जितनी भी भर्तियाँ हैं आपको जो एग्जाम में जो सालवर आपको किसी न किसी भर्ती में बिहार के आपको मिल जाएंगे, और जो पेपर लीक का जो मामला है, चाहे ब्लूटूथ का मामला हो या किसी भी तरीके से बड़ी धांधली का मामला हो, हमने दरोगा भर्ती में भी देखा, अन्य भर्तियों में भी देखा, तो वो हरियाणा, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि के जो रैकेट हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उसी दिशा में यहाँ पर काम भी हो रहा है, और यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है कि ये देखिए आप लोग बड़े खिलाड़ी इधर बैठ करके सारा गेम कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मेरठ से 6 और नोएडा से 1 गिरफ्तार। हरियाणा से लीक हुआ था पेपर, हो गया क्लियर, और हालांकि जांच अभी चल रही है। लिखा है मेरठ के कंकर खेड़ा क्षेत्र से STF ने गिरफ्तार किया। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में अब तक 11 लोग पकड़े जा चुके हैं। STF ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने के आरोप में 6 लोगों को बुधवार को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में नोएडा से भी 1 पूर्व वायुसेना कर्मी को गिरफ्तार किया गया। STF ने खुलासा किया है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हरियाणा से ही आउट कराया गया है। STF मेरठ यूनिट की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान, यहाँ पर नाम लिखा कुछ लोगों के, दीपक, बिट्टू, प्रवीण, रोहित, नवीन और साहिल के रूप में हुई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि STF इस समय हरियाणा में डेरा डाले। ये देखिए बिहार की 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई है। 15 तारीख को जो परीक्षा होनी थी वो अपने तय समय पर होगी, और अब ये जो परीक्षा है, बताया जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा अब होली के बाद ही संभव है। जानकारों की माने तो इतनी जल्दी परीक्षा होने से कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से लेकर के प्रश्न भी सेट नहीं हो पाता है। प्रत्येक विषयों के प्रश्नों को सेट करने में विषय विशेषज्ञों को समय लगता है या समय नहीं लगता है। अर्ध सैनिक बलों में SI की जो वैकेंसी आई है SSC से, दिल्ली पुलिस की और CAPF की, उस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है, और 28 तारीख तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लगभग 4100 पदों पर भर्ती हो रही है, 4187 पद हैं। यहाँ पर लिखा भी है, ये देख लीजिए, कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर SI के 4187 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इन पदों के लिए SSC की वेबसाइट ssc.gov.in पर 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CBI जांच को लेकर के भी सवाल उठे हैं। आजकल बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारियां निकल करके आ रही है। तब से पेपर लीक हुआ, लिखा है 9000 बयान, नतीजा सिफर, 5 केस दर्ज कर चुकी है CBI, 633 भर्ती परीक्षाओं की चल रही है जांच, 40,000 पदों में धांधली का आरोप है, 5 सालों में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन 6 साल गुजर गए हैं लेकिन नतीजा सिफर है। सबसे बड़ी बात तो यह कि CBI से सवाल कौन पूछे भर्तियों की जांच में आखिर क्या हुआ, जबकि ये सारी जांच लोक सेवा आयोग पर एक ऐसा दाग है जिसे खत्म कर पाने में आयोग के पसीने छूट रहे हैं। 2012 से लेकर के 17 के बीच में जो भी भर्ती हुई इनकी जाँच चल रही है, लगभग 633 भर्तियाँ इसमें हैं, और जितने विद्यार्थियों ने इसमें कंप्लेंट किया था, गवाह बयान दिए थे, बहुत विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। ज़्यादातर विद्यार्थी प्रयागराज छोड़ करके चले गए, पढ़ाई लिखाई से नाता उनका टूट गया, उन्हें न्याय नहीं मिल सका, और
पता नहीं भविष्य की गर्त में है कब तक क्या निर्णय आएगा, लेकिन उस निर्णय का उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, कोई भी उस न्याय का अर्थ नहीं रह जाएगा। बीजेपी ने छात्रों के साथ में धोखा किया है, ये सभी को पता है कि जांच क्यों रुकी है। भारतीय जनता पार्टी से विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पर चर्चाएं ये हैं कि ये देखिए लिखा है विश्वस्त सूत्रों की माने तो सीबीआई ने प्राथमिक जांच में कई अफसरों को धांधली का दोषी भी पाया है। सीबीआई ने इन अफसरों पर अभियोजन के लिए शासन और लोक सेवा आयोग से अनुमति मांगी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन शासन ने इसकी अनुमति नहीं दिया। अब बताइए इसका क्या मतलब है। मगर इस पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका। भर्तियों से जुड़ी सीबीआई जांच किसके प्रभाव में आकर के प्रभावित हुई है, इस पर छात्रों के बीच में चर्चाओं का दौर चल रहा। सभी प्रयागराज के छात्र जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो जांच है वो क्यों रुकवा दी गई है, जबकि कई लोग दोषी पाए गए हैं जांच में, प्रारंभिक जांच में। पैसे का ट्रांजैक्शन भी पता चला है कि जो अधिकारी हैं लोक सेवा आयोग के और जो छात्र हैं जो चयनित हुए थे पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर पद पर, उनके बीच में पैसे का भुगतान भी किया गया था। इसके बारे में भी समाचार पत्रों में कई बार जानकारी दी गई है और समाचार पत्रों के माध्यम से इंडिया टुडे है जिसमें लिखा हुआ है ओवर एज हो गई और कोई छात्र थी अयोध्या की, लिखा है कि प्रयागराज छोड़कर के अयोध्या वापस चली गई, सीबीआई जांच की सुस्त गति से भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लिखा है कि आजमगढ़ से आकर के प्रयागराज तैयारी करने वाले एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई के विश्वास में आकर के एसडीएम पद पर चयनित हुए एक अधिकारी का बैंक डिटेल और गड़बड़ियों से जुड़ी कई अन्य जानकारियां मुहैया कराई थी। जांच सुस्त गति से चली और इस बीच वर्ष 2019 में यह अभ्यर्थी ओवर एज होकर के वापस आजमगढ़ चले गए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे। अब सीबीआई ने इन्हें भी समन भेज करके शिकायत में पक्ष में जरूरी साक्ष्य मुहैया कराने को कहा है। और मैं बताते चलूं कि मैंने खुद साक्ष्य दिए थे सीबीआई के कैंप कार्यालय में जाकर के लिफाफे में। चलिए छोड़िए क्या होगा, सीयूईटी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम ही गायब है, आवेदन फंसे हैं। और क्योंकि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप लोगों को तो सीयूईटी के एग्जाम देना होगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लिस्ट में नाम ही नहीं है और जानकारी निकल कर के आ रही है एक या दो दिन में जो मामला है वो सेट हो जाएगा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन इस बार भी सीयूईटी से ही होंगे। यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी आई है 3446 पदों पर एजीटीए की, उसके बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृषि में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और upssc.gov.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अभी नहीं होंगे, मई माह में होंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।